और बस मैं जब पूछता हूँ आप बस तारीफ करते जाइएगा। चालू नहीं है, बंद है, अभी नहीं चालू है, रुकिए चालू करते हैं। ये कहीं से लग रहा है कि ड्राइवर है। नमस्ते नमस्ते। चलो भाई, आज तो नींद हो गई एकदम मस्त वाली, घर जैसी नींद हुई है। और आज 2 से 2 की शिफ्ट है तो जल्दी पैकअप होगा। अभी बज रहे हैं 1:30 और लंच का टाइम। आज ब्रेकफास्ट तो कब का स्किप हो गया पता ही नहीं चला, तो चलो लंच कर लेते हैं। आज मैं लेट हूँ तो इसलिए मुझे अकेले खाना पड़ेगा, बाकी लोग खा खा के जा चुके हैं। वाह, बाहर की दाल रोटी चावल सब्जी, ये लोग दाल भी जो बनाते हैं ना वो खुले में बनाते हैं तो काफ़ी टेस्ट आता है दाल का। कुकर में क्या होता है, कुकर में तो दाल सिर्फ टूट जाता है, असली जो पकता है ना वो पतीले में। मैं उठा, मैं सीधा जब पहले तो स्टोरी चेक किया तो देखा आप लोगों ने बाहर जाकर के कुछ तो कर लिया, स्टोरी बना लिया है। मुझे लगा आप लोगों की सुबह हो गई है। मैं उठाई तो हुई थी ना, क्योंकि हम बीच में सोने को मिल गया था हमें। अच्छा, तो हम सुबह तो हमारी तो सुबह हो ही गई थी, लेकिन अभी उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि सोएंगे नहीं। हम लोग सोए नहीं, फ्रेश होके नहा के ड्रेसअप होके और फिर चले गए रनिंग के लिए। तो मैं खूब दौड़ी हूँ, देखा नहीं तुमने स्टोरी पे? देखा मैं, खूब रनिंग किया मैंने आज पूरा। और हमारे कैमरामैन थे, हमारे ये ऑडियो दादा है, ये मिल गए, अब इनसे ही हम लोग शूट करा रहे, दादा ऐसा फ्रेम, दादा ऐसा फ्रेम, ऐसे कर करके। तो मुझे उठाया क्यों नहीं जब आप लोग निकले? तो हमें पता नहीं था ना कि तुम रात को जगे हो कि सोए हो, कुछ नहीं पता। ये सारी अफ्रीकन फिल्में करते हैं। अरे वाह, देखो भाई बहुत टाइम के बाद सहीम भाई हमारे ब्लॉग में, मतलब मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आप अचानक मतलब खुद से चल के आप आ गए। यार ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो सब लोग। हाँ। शेयर करो। अरे वाह थैंक यू। और जितने मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे थोड़ा बहुत भी प्यार करते हैं वो सारा प्यार इसको दे दो। अरे वाह वाह वाह, याद कर रहा हूं। पैसा देगा ना भाई कैश? अच्छा ये वो है, वो तार्जन बना हुआ था वो बोले बंद है ना, बंद बंद है। हम तो जो पैसा बोला दे देना। हमारी कितनी बात हुई थी कितने यार? वीडियो बनाना पहले, फोन से वीडियो बनाना। ठीक है मिल जाएगा आपको। कैश 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 चाहिए ना? फोन का। और क्या बोलना, और क्या बोलना बता? और बस मैं जब पूछता हूँ आप बस तारीफ करते जाइएगा। चालू नहीं है ना, बंद है ना? अभी नहीं चालू है, रुकिए चालू करते हैं। हाँ तो सही भाई, मतलब मैं ना बहुत टाइम से आपको क्राइम पेट्रोल में देखता आ रहा हूँ। अरे तू भी तो क्राइम पेट्रोल करते रहे। हाँ लेकिन आप तो पहले से करते आ रहे हैं ना, आपको और ये तृष्णा को देख देख के तो मैं तो सीखा हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती है कि इसको कभी घर पे लेकर के आओ खाने पे। हाँ खाने पे, चलो खाने के लिए तो कहीं भी जा सकते, जहन्नम भी जा सकते। चालू है ना? हाँ। तो गाइस सब लोग वेद के चैनल, क्या नाम है ब्लॉग का? वेद दुबे, बस मेरे वेद दुबे के का एक अपना मेरा भाई है, इसका एक ब्लॉग है, उसके ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सब लोग लाइक करो और जो कर रहा है सब कुछ करो, प्यार दो इसको। और एक चीज़ मैं आपके बारे में और बोलना चाहूँगा भाई। हाँ। देखो जब तक मैं आपको स्क्रीन पर दिखता था ना तो मुझे लगता था कि यार ये तो सिर्फ एक्टर है, लेकिन भाई अभी मैं इनके साथ काम करने आया हूँ, ये एज ए डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। हाँ बोलो। एज ए डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर ये काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि नेटफ्लिक्स के लिए है। हाँ तो इधर इधर ये देखो, इतना बड़े मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मुझे बैट पकड़ा के गए थे। चलिए भैया थोड़ा काम कर लेते हैं, बहुत पकड़ के दिन घर में बुला के मारूंगा। टेन टाइम बोलते, अरे उसके पास डेट भी था नहीं कल से। मुझे अविनाश जी ने ये 5 से 6 बार पूछा। मैं रिकॉर्ड किया क्या उसको मारूंगा पकड़ के? भाई ऐसा मत कर यार, तू भी ना एग्जैक्ट वही से चालू हुआ है। मैं मुझे सबसे बोरिंग काम दुनिया में सोना लगता है। मैं तो सोचता हूँ सोने वाला सिस्टम ही क्यों है दुनिया, तो भी दिन कम पड़ जाता है मुझे, इतने जगने के बाद भी दिन और रात कम पड़ जाता है। और मुझे अब और कुछ करना था, अभी टाइम कम हो गया मेरा। बॉडी को एनर्जी देने के लिए एनर्जी देने के लिए कॉफ़ी है ना?
तो बीच में जो बॉडी बनाए थे वो सब कैसे, इतना बढ़िया डेडिकेशन था। डेडिकेशन चालू है क्या? हाँ चालू है ना। पैसा देना मेरे को कैश पे। कल इन्होंने चेक दिया था। नहीं, इसने जितनी बातें बोली मैंने सब वही बोली है, मुझे पता था कैमरा ऑन है। अच्छा, एक दो को है ना साइड साइड में लगाना, दो लोग साइड में, बोनट पे ये देखिए ना। ठीक है। हां एक मिनट, मेरा ड्राइवर इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? फिर हम दोनों कॉमन लग रहे हैं, मतलब लग रहा है कि ही इज माय ड्राइवर। मैं कहां से सेक्सी हूं? हॉट। जल जाओ। ये कहीं से लग रहा है कि ये ड्राइवर है? नमस्ते नमस्ते। मुझे नहीं लगता। तुझे एप्पल कहां मिल गया? हमारे रूम में था, तुमको चाहिए एप्पल? हां मैं तो कल से एप्पल ढूंढ रहा हूं। मैंने ये पट्टी मिल गया, पट्टी मिला है ये रेड वाला। आज मुझे फीलिंग हो रही है कि मैं हीरोइन हूं। रेड वाला मुझे लग रहा था मैं बात कर रही हूं। तो गाइज आज मैं आप लोगों को ना ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो हमारे इस वेब सीरीज में कॉप का किरदार कर रहे हैं। अगर आप उनके पास्ट के बारे में जानेंगे ना तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतना अपोजिट कैसे। अब मैं उनका चेहरा रिवील करने जा रहा हूँ। रहमान सर। एक तो पहली बात, लोग शॉक हो जाएंगे कि इतना अपोजिट हम लोग ग्रेट इंडियन लाफ्टर वहाँ से आपको देखते आ रहे हैं और आपको देख के सिर्फ हंसे ही हैं। हंसते हंसते और अभी आकर के एकदम सीरियस कॉप वाला कैरेक्टर। अब फिलहाल तो मुझे एक कॉप चाय की ज़रूरत है। ये जो कॉप बना दिया गया इन्होंने कहा कि भाई आप कर लीजिए, हमारे दोस्त ही हैं जो ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं। तो मैंने थिएटर किया है शुरू में, तो कहा कि थोड़ा डिफरेंट है, चैलेंजिंग है, तो मैंने चैलेंज लेते हैं। वैसे भी आजकल IPL में चैलेंज चल रहा है, तो मैंने मैं अपनी लाइफ में भी एक चैलेंज ले लेता हूँ। तो वैसे भी लॉकडाउन है तो सिचुएशन भी बहुत चैलेंजिंग ही है। राइट राइट, तो कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वाकई बहुत मजा आएगा एकदम डिफरेंट अवतार में देखना। अरे तो एक वो हो जाएगा कि बस अब तो हम रहमान भाई को हम कॉप में भी देखेंगे। हाँ। वैरायटी मिलेगी हमें देखते देखते। तो मतलब क्या थोड़ा इसमें हंसी मजाक वाला कॉप है या फिर? बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर। हाँ, बहुत सीरियस है, संजीदा है और बहुत इंटेंस है वो कैरेक्टर। और मेरी तरह जिस तरह से मुझे कोई भी एक लाइन बोलने के बाद एक जुमला तुरंत सूझता है, यहाँ उसके साथ ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी लाइन बोलने के बाद तुरंत खामोश रहना होता है। तो बिल्कुल इतना खामोश रहना, अचानक से लग रहा है कि मेरी अभी भी शादी हो गई, बीवी सामने खड़ी है, इतनी खामोशी लाइफ में। बट चैलेंजिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो आई एम लविंग इट। मुझे अचानक से कहानी के नवाजुद्दीन सिद्दीकी याद आ रहे हैं। अच्छा, अरे बिल्कुल याद है नवाज भाई, बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई नहीं, अब एक कॉप बोला तो एक गिलास आई गया, एक कॉप आ ही गया। तो गाइस बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, देखते हैं जल्दी से जल्दी ये सीरीज टेलीकास्ट हो तो फिर बिल्कुल मज़ा आएगा देखने। ओके बाय बाय।